हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि तुम लोग सभी अच्छे होगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं आज के पेपर यानी कि ज्योग्राफी पेपर सेट 2 का सॉल्यूशंस। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो स्टूडेंट्स, ये है सेट 2 पेपर के पहला पेज जो आप देख सकते हैं। ये है पेपर सेट 2 जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये है हमारा पहला सेक्शन ए का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा बी, जैसा कि टिक किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर होगा सी। थर्ड क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेल ट्रेडिंग। तो आंसर इज ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू क्वार्टनरी एक्टिविटीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस वॉज इनिशियली प्रपोज्ड बाई द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट क्रिएटेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990। तो ऑप्शन विल बी आंसर सी, एज इट इज मेंशन्ड इन पेज नंबर 23 बुक 1। नाउ लेट्स टर्न ओवर द पेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट पेयर। तो द आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन विल बी बी, बी फॉर बॉय। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंदिरा गांधी कनाल। इट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द आंसर विल बी ऑप्शन बी, बी फॉर बॉय। लेट्स टर्न द पेज वंस अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन केस स्टडी। तो इस पेज को आप लोग पढ़िए अच्छा से, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। रेडीमेड तो नहीं मिलेगा, कुछ आपका आईक्यू से भी रिलेटेड है। डायरेक्ट आंसर्स यू विल बी मे बी नॉट फाउंड इन दिस पेज। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डिड द पीपल ऑफ झबुआ ट्राइबल कम्युनिटी सफर फ्रॉम पॉवर्टी। तो ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड पीपल मैनेज टू डेवलप पास्चर लैंड्स। तो राइट ऑप्शन विल बी बी और सी, आई विल गिव इट एज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डिड द भील्स थ्रू देयर ओन एफर्ट्स रिवाइटलाइज द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। तो द आंसर विल बी डी आई थॉट। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, ये अब सेक्शन बी है 18-19 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें 18.1 आपको मिल जाएगा इस पैराग्राफ से इसका आंसर, और 18.2 जो है उसका आंसर मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ओके। और उसके बाद आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ओके। पेज पलटिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19.1 है जो ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। उसका आंसर जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, सबसे लंबा ग्राफ, बार ग्राफ जो बना हुआ है वो है चाइना का। तो द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री विल बी चाइना। नेक्स्ट 19.2, टोटल कंट्रीज ऑफ एशिया वो जाएगा 6 दिखाया, जैसे कि यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 19.3 में हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से लैंड जो है वो हमारे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है एशिया में स्पेशली। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि चाइना और इंडिया में ही स्पेशली उसको असर करता है। तो वहाँ पर प्लेन लैंड पाए जाते हैं, फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा पाया जाता है। कुछ एरिया में
जो डेजर्ट है वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कम कर देता है। कुछ माउंटेन्स हिमालया जैसे हैं जहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट लेस है, निल है, तो ये सब हम लिख करके कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज ए होम ऑफ मैनकाइंड सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो इसका आंसर ये है, देखिए आपके सामने है। तो 21 का ए जिसका आंसर आपके सामने है ये देख लीजिए। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ 21 डी इन फ्रंट ऑफ यू इन द स्क्रीन, यू मे पॉज इट। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड देयर इज द आंसर, यू मे पॉज इट टू सी। नेक्स्ट 23 ए एंड 23 बी, आंसर इज एनसीईआरटी बुक 2 पेज नंबर 63। आई एम गिविंग यू ऑल द आंसर्स ऑफ सेक्शन सी वन बाय वन, यू मे सी इन द स्क्रीन 24 ए बी 25 ए बी आफ्टर वन अनदर। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है जिसे आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 में पा सकते हो बुक 2 के, और ये क्वेश्चन नंबर 27 के पेज नंबर 125 में पा सकते हो बुक 2 के। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं लास्ट सेक्शन क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 30.1, स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज़ बिहार, ये है मैप में। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, ये है तमिलनाडु, जैसा कि देख लो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 30.3, स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट, वो होगा वेस्ट बंगाल यहाँ पर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30.4, कोरापुट बॉक्साइट माइंस, ये होगा यहाँ उड़ीसा में। इसके बाद 30.5, झरिया कोल माइंस, ये होगा झारखंड में इस जगह। नेक्स्ट इज 30.6, मैंगलुरु पोर्ट, ये होगा कर्नाटका में। और उसके बाद 30.7, ये है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, इट इज़ अमृतसर, इसका नाम भी लिखना है। आपको इनमें से किसी 5 को ही मार्क करना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद आपके समय के लिए।